हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शर्मिष्ठा और हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आ गई हूं एक नया वीडियो के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई मेरा नया व्यूअर है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलने वाला है ब्यूटी, फैशन, मेकअप, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इसके अलावा भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हर वीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेगुलर कोकोनट ऑयल और कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल का क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा भी कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल का काफी सारा ब्यूटी बेनिफिट्स भी है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये है नॉर्मल कोकोनट ऑयल, मतलब रेगुलर कोकोनट ऑयल, और मेरे हाथ में दूसरा है डिसैनो कंपनी का कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। सो दोस्तों, सबसे पहले आता है इन दोनों का बनाने का प्रोसेस, मतलब जो रेगुलर कोकोनट ऑयल है वो कैसे बनता है और जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो कैसे बनता है। सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा, कोकोनट या तो ड्राई कोकोनट को बहुत ही ज्यादा हीट के प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल। इससे क्या होता है, जो रेगुलर कोकोनट ऑयल में न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो उससे हम लोगों को उतना फायदा नहीं मिलता है। और जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, उसका बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। वो नारियल का जो मिल्क होता है, मतलब कोकोनट मिल्क को कोल्ड प्रेस के माध्यम से बनाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे इसका जो न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज होता है वो बिल्कुल बरकरार रहता है और इसका काफी सारा बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है, अगर हम लोग इसको सही तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका और भी क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं कलर का बात करूँ तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये बिल्कुल व्हाइट है। दैट मीन्स इसका जो बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल भी हीट यूज नहीं होता है, इसके लिए ये बिल्कुल व्हाइट है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो रेगुलर कोकोनट ऑयल हम लोग यूज करते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ होता है। वो ब्राउनिश काइंड ऑफ होने का एक ही रीजन है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा हीट इस्तेमाल होता है, इससे उसका कलर चेंज हो जाता है। रेगुलर कोकोनट ऑयल थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, बट जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है और बहुत ही जल्द ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल का काफी सारा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि आप लोग इसको एज ए बॉडी मसाज ऑयल यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी होता है। इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को आप लोग हेयर में भी यूज कर सकते हैं, स्किन में भी यूज कर सकते हैं, और इसका काफी सारा अलग अलग बेनिफिट्स है। कुछ बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow.
दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल का कितना सारा बेनिफिट्स है। तो अगर आप लोग खुद इस बेनिफिट्स को पाना चाहते हैं तो आपको इसको यूज करना होगा रेगुलर बेसिस पे, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को आज एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूंगी। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं आजकल दिशानो ब्रांड यूज कर रही हूँ, और दिशानो ब्रांड का इससे पहले भी मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया है जिसका वीडियो ऑलरेडी है, ऊपर देखिए लिंक जा रहा है, उसमें क्लिक कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अभी ये वाला जो कोकोनट ऑयल है इसको यूज कर रही हूँ। ये है दिशानो का कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी वीडियो में। और ये बिल्कुल 100% नेचुरल है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है और अनरिफाइंड है। तो अनरिफाइंड होने से क्या होता है, इसका जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है ये इसमें बिल्कुल भरपूर मात्रा में है। तो आप लोग अगर इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज जरूर मिलेगा। आप लोग इसको कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका जो अगर क्वांटिटी का मैं बात करूँ तो इसमें आप लोगों को मिलेगा 500 ml। आप लोग देख सकते हैं बहुत दिनों तक चलेगा। और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 375 rupees, और कभी कभी इसमें डिस्काउंट चलता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम एक अमाउंट है, आई थिंक इतना क्वांटिटी में ये अमाउंट तो बनता है। और इसको मैंने यूज किया है खुद भी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं बेफिक्र होके। अगर मैं इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का बात करूँ तो इस एनर्जी का जो परसेंटेज है वो है 900, टोटल फैट है 100, सैचुरेटेड फैट है 93.8, और इसमें बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे। आप लोग चाहे तो मुझे फेसबुक या तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो सारा लिंक नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जाके एक बार चेक करना। और मैंने एक नया चैनल भी ओपन किया है, वो DIY रिलेटेड है। उसमें अभी तक मैंने कुछ भी उतना कुछ अपलोड नहीं किया है, सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया है। तो आने वाले दिनों में उस चैनल में भी आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं जल्द से जल्द ही करूंगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई। इतने दिनों तक आप लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है और आने वाले दिनों पे भी मैं ये सपोर्ट चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी इतना सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना है, कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में वो टॉपिक के रिलेटेड वीडियो जरूर अपलोड करूंगी और मैं आप लोगों का हर एक कमेंट का आंसर तो करती हूँ। तो कनेक्टेड रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। लव यू ऑल।